हरे कृष्णा। सो आपको अगर ये सीन याद होगा, हमने बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर के लगभग एंड वाले कुछ श्लोकों में, आई थिंक 1.45 में आपको यही बैकग्राउंड दिखाया था। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक लेकर के चलते हैं। हरे सो टुडे वी कम टू द लास्ट रीजन व्हाई अर्जुना डज नॉट वांट टू फाइट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ हार्ट। ही इज इनडिसाइसिव, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट शुड हैपन। सो वी हैव द 45th वर्स वेयरिन ही डिसाइड्स नॉट टू फाइट। तो उसी जगह पर हम, जैसे कहते हैं ना, दुनिया गोल है। सो हम दुनिया गोल करके पूरी भगवद गीता के ऑलमोस्ट एंड, आखिरी अध्याय, सेकंड लास्ट अध्याय खत्म होने को ही है। सो वी आर ऑन द 18th वर्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ गीता, एंटाइटल्ड द डिविजन्स ऑफ फेथ। आज भगवान कहते हैं, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। Penance performed out of pride and for the sake of gaining respect, honor and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent. हम देखते हैं, कल भगवान ने सात्विक तप के बारे में बताया, कहा कि शरीर, मन और वाचा, इन तीनों की तपस्याएं सात्विक कब हो सकती हैं? जब उनको शास्त्र विधि है, शास्त्र प्रमाण है और उससे कोई लाभ की इच्छा नहीं है। यहां पर शास्त्र विधि है लेकिन लाभ की इच्छा है, तब वो राजसी हो जाता है। लाभ की इच्छा क्या है? सत्कार, मान, पूजा, अर्थ। अर्थ मीन्स रीजन। सो व्हाई एम आई डूइंग दिस तपस्या? इट इज बिकॉज आई वॉन्ट सत्कार, मान एंड पूजा। यस। सो जब मैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा से कोई तपस्या करता हूं, तो इमीडिएटली व्हेन आई वांट रिजल्ट, इट माइट बी शास्त्र विधि, बट विथ इट इज कपल्ड अ डिजायर टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दैट एक्टिविटी, देन इट बिकम्स राजसिक। उसके कारण दंभेन च एव यच्च एव, डेफिनेटली इट विल लीड टू प्राइड एंड एरोगेंस। सो जहां पर भी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा है, उससे कॉन्कॉमिटेंट रिजल्टेंट फैक्टर आएगा कि अहंकार और दंभ, इसमें वृद्धि होगी। इसीलिए क्रियते तद इह प्रोक्त राजसम, तब वो तपस्या राजसिक हो जाती है। और ऐसी तपस्या कैसी होती है? भगवान कहते हैं, ये तपस्या चल, इट कैनॉट स्टे फॉर लॉन्ग, इट इज टेम्पररी। एंड अध्रुवम, इट इज फ्लिकरिंग एंड टेम्पररी। तो ऐसी तपस्या व्यक्ति ज्यादा नहीं कर सकता। हम देखते हैं, वही जैसे जितने भी लोग, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन जैसे ही वर प्राप्त हो गया, खत्म का। उसके विपरीत हम देखते हैं, पांडवों ने कितनी तपस्या की, तुकाराम महाराज ने कितनी तपस्या की, उस तपस्या को कोई अंत है क्या? नहीं, दे आर हैप्पी इन देयर तपस्या। यू कैन नॉट टर्म इट अ सात्विक तपस्या, इट इज प्योर भक्ति। बट फिर भी कहने का तात्पर्य है कि ये जो तपस्या है राजसिक, क्योंकि वहां पे सत्कार, पूजा, मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा है, तो जैसे ही वो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, उस तपस्या का खंड हो जाता है, इट ब्रेक्स अप। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड चल एंड अध्रुव, इट इज फ्लिकरिंग एंड डेफिनेटली नॉट परमानेंट। उसका एग्जिस्टेंस भी टेम्पररी है, उसका रिजल्ट भी टेम्पररी है। सात्विक की तपस्या ये अच्छे समय तक रहती है और उसका रिजल्ट भी परमानेंट है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।